हाँ भाई, क्या हाल है? तो आज हम देखने वाले हैं एमवे का नया गाना, इट्स कॉल्ड राउंड वन। मुझे काफी मैसेज आ रहे थे इसके जब ये गाना है। अ लॉट ऑफ फैंस टोल्ड मी दैट दिस इज अ इंग्लिश, मेनली इंग्लिश सॉन्ग दैट ही रोट। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। मैंने अभी से पहले ये गाना नहीं सुना, आई जस्ट लिसन टू फर्स्ट फ्यू सेकंड्स एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स लिसन टू इट। फैन फॉलो इस तरह, आपका भाई नहीं है फैन बॉय इस तरह किसी का, फालतू में नहीं, मुफ्त में नहीं ऐसी फैन बॉय बन जाता आपका भाई किसी का। क्या आर्टिस्ट है यार, कैसे मुझे समझ नहीं आता लोग इसकी कैसे बुराई करते हैं। लोग जलते हैं इससे या जेलस होते हैं, क्या रीजन क्या है? लाइक मुझे काफी, क्योंकि ट्रोल करते हैं ना मुझे कि एमवे कुछ भी करते हैं, ये फरूख बोलता है ये एमवे अच्छा है बहुत। एमवे टट्टी भी करता था, फरूख बोलता है वाह क्या टट्टी की है यार। बट आर यू लाइक फकिंग ब्लाइंड और आर यू लाइक फकिंग स्टूपिड? क्या तुम डम हो? क्या सीन है तुम्हारा? अल्लाह मियां ने तुम्हें या भगवान जिसमें भी तुम मानते हो आंखें नहीं दी या दिमाग नहीं दिया या कान नहीं दिए या भूत, क्या कैसे डिनाई कर सकते हो यार ये चीजें? तुम ये देखो, ये कैसे डिनाई कर सकते हो तुम इसकी इसकी ग्रेटनेस को, इसके इसके स्किल को, इसके 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 टैलेंट को यार। ब्रो जो सच्चा है वो सच्चा है, जो पैदा हुआ ना ये पैदा हुआ है भाई, ये इस तरह ये बना बना नहीं है। हाँ सीखा है इसने बहुत कुछ लोगों से, सब सीखते हैं, तुम कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, बट यू आर बॉर्न द वे यू आर बॉर्न। ये पैदा हुआ है रैपर। लाला फ्री स्टाइल एक घंटा करना आसान काम नहीं है, जूस वर्ल्ड ने किया था बहुत लंबा फ्री स्टाइल बैच, पता ही था वो भाई, बीट चल रही थी, लाइव शो था, रेडियो शो, वो करे जा रहा है फ्री स्टाइल पे फ्री स्टाइल आगे और बार्स पे बार्स और खतरनाक फायर ड्रॉप कर रहा है। ये भी नहीं कि घटिया बार्स, जूस वर्ल्ड का उस दिन मैं बहुत बड़ा फैन हो गया था, मैंने कहा शिट यार इसको तो मैं हल्का लेता था, जूस वर्ल्ड बहुत खतरनाक रैपर था यार। एमवे अलग ही लेवल है यार, आर्टिस्ट है ये, सिर्फ रैपर भी नहीं है यार, ये आर्टिस्ट है ये बंदा यार, क्या क्या नहीं करता यार ये। इसके गाने देखो हर तरह की रेंज के गाने, इधर से उधर हर तरह का टेम्पो, हर तरह का आपको इवन जॉनर्स भी मिक्स करता है ये गानों में। बहुत बड़ा आर्टिस्ट है यार ये, आज नहीं तो कल इसका नाम बहुत बहुत ऊंची जगहों पे होगा। अभी भी ही इज लाइक किंग ऑफ यूट्यूब यार, आई मीन कम ऑन लेट्स फेस इट, यूट्यूब रैपर्स में कौन है जो इस तरह के नंबर्स लाता है, इस तरह की फैन फॉलोइंग है जिसकी। दिस गाय यार कम ऑन मैन, आई रियली वांट टू से दिस फ्रॉम माय हार्ट कि यू गाइस नीड टू सपोर्ट योर ओन मैन, यू गाइस नीड टू सपोर्ट, एंड व्हेन आई से योर ओन आई मीन इंडियन, आई डोंट मीन एनीथिंग एल्स, आई डोंट इवन मीन इंडियन, छोड़ो आप, मैं कह रहा हूँ आपके दिखने जैसा, आपके जैसा भाई, बस दैट्स ऑल दैट मैटर्स, ही इज यू, यू आर हिम। सो यार लाइक आखिर में क्या किया उसने, देखा आपने आखिरी वर्ष में तो अजीब, मैं रोटे खड़े होगा, मैं आई वाजंट दिस हाइप्ड, आई एम नॉट गोना लाइ, गाना शुरू हुआ 80-60% गाना पूरा हो चुका था, आई वाजंट रियली हाइप्ड, आई लाइक्ड इट, एंजॉयड इट, पर आखिर में ही जस्ट चेंज द फकिंग होल थिंग एंड आई वाज लाइक फूफ, मैं भूल गया था एमवे है क्या चीज, राइट right? अब जो आएगा वर्स, ये जोश किसी रैपर का नहीं सुनाई देता मुझे, आई एम सॉरी, सब करते हैं ये हार्ड बनने की कोशिश, असल में हार्ड कोई नहीं है इस तरह यार, अभी तक मैंने तो नहीं सुना, इवन बोहेमिया आई वुड से उसका भी ये अग्रेशन का लेवल जो है ना वो वाला नहीं है लाला। आपको पता है एक सिंगर स्टूडियो में कर रहा है ईयर का, जब आप उनकी सुनते हो ना, जब आप इसकी सुनते हो ना, आपको पता है एक बंदा फील करके असली बात कर रहा है अपने दिल की। सो ये नंगा लिखना जिसे कहते हैं, नंगा लिखता है भाई ये, नंगा हो गया नहीं, रेफरेंस फिर ये मोमेंट आया, बहुत आला यार। कितने आर्टिस्ट हैं मुझे बताओ, एक बात का जवाब दो मुझे, कितने आर्टिस्ट हैं जो अपने पिछले गानों के रेफरेंस देते हैं और आपको यूं करके पता चल जाता है? अगर आपका फेवरेट आर्टिस्ट है तो मे भी आपको पता चल जाता होगा, जिस तरह मेरा ही है, मुझे पता चल गया है कि इस गाने को रेफरेंस कर रहा है। बट ये लेवल जो है ना, ये लेवल जब आता है, जब आपको पता है कि आपकी एक फैन बेस है, पीपल रियली फकिंग फॉलो यू, पीपल रियली नो हु यू आर, पीपल नो योर लेवल। सो या मैन, एमवे बंटा है ब्रो, नेक्स्ट लेवल, बहुत अच्छा गाना था, आई रियली एंजॉयड इट, आखिरी वर्ष ने तो मेरी बॉन्डी पार दी भाई, बहुत आला, जी दिया जी दिया।